Hello friends, today we are here with another recipe, which is white sauce pasta. You can see the ingredients. So now let's get started. Gas ki flame on kar di humne. Yahan main is pe kadhai le lungi. Next hum start karte hain butter se. Ye le liya maine butter. Butter thoda chipak gaya mera. जस्ट अवॉइड इट. बटर को थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज हमारा बटर जलने लग जाएगा. इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैदा. मैदा डालते ही इसको आप साथ साथ चलाने लग जाएंगे, अदरवाइज इसमें लम्स बन जाएंगे. देखिए मैंने कंटिन्यूस में चला रही हूँ इसको, जब तक ये अपनी थोड़ी सी शेप चेंज ना कर लें. देखिए इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं. मैदा हल्का सा कलर चेंज करेगा, आपको पता लग जाएगा. फिर स्टेज पे अब मैं इसमें डालूँगी दूध. दूध ऐड करने के बाद इसको साथ साथ चलाते रहेंगे. वाइट सॉस बनाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बस आपने अपना जो मतलब कच्ची है वो छोड़नी नहीं है, उसको साथ साथ कंटिन्यू चलाते ही रहना है. ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है बहुत जल्दी से. अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी कुछ स्पाइसेस. तो पहले मैं लूँगी काली मिर्च, जो कि मैंने रफली थोड़ी सी बस क्रश कर रखी है. नेक्स्ट मैं इसमें लूँगी सॉल्ट. नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. ऐसे मैं कर लूँगी मिक्स. अब इसी स्टेज पे मैं यहीं पे लूँगी ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, जो कि वाइट सॉस पास्ता में एलियन किसी भी फूड में डलता ही डलता है. तो मैं यहाँ पे ऑरिगेनो लूँगी. अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए ये चिली फ्लेक्स पे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप ज़्यादा स्पाइसी डालिए. अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से. सॉस जो है वाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, बिकॉज वो उसकी कंसिस्टेंसी दिख रही है. अब मैं इसको थोड़ी देर चला के साइड में रख लूँगी, क्योंकि ये जब हम इसको गैस से हटा देंगे उसके बाद भी ये थोड़ा सा थिक होगा. नेक्स्ट मैं अलग दूसरा पैन लूँगी. अब इसमें मैं फिर से अगेन बटर लूँगी, क्योंकि अभी हमें वेजेस फ्राई करनी है. तो ये मैंने बटर ले लिया है. जैसे मेरा बटर जो है वो मतलब हो जाए, गल जाए, तो हम उसमें डाल देंगे गार्लिक, जो कि मैंने रफली चॉप किया हुआ है. नेक्स्ट मैं लूँगी अनियन, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से काटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा. नेक्स्ट अब मैं लूँगी कैप्सिकम. अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मतलब इसको 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे. ऐसा ना रहे ना कि मतलब कच्ची हो वेजीज, या फिर ये ना हो ज़्यादा ही पक जाए. ये आपको दिख जाएगा, ये लिटिल से थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आपको पता लग जाएगा भाई जो वेजीज हैं मेरे फ्राई हो चुके हैं. ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है वेजीज का हमें, और दिख रहा है कि हाँ वे ऑलमोस्ट फ्राई हैं. तो अब इस स्टेज पे हमने वाइट सॉस, आप देखिए वाइट सॉस जो हमारा है वो और हमारा थिक हो गया है. इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. अब मैं इसमें यहाँ पर ये पास्ता ले उबाल रखा है वो डाल दूँगी, और इसके बाद मैं जो मैंने वेजीज फ्राई कर रखी थी वो भी इसमें डाल दूँगी. ये देखिए वेजीज आप दिख रहा होगा आपको फ्राई हो, कितनी फ्राई करनी है हमने, आप आइडिया लगा सकते हैं देखकर उसका कलर. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब जो हमने सॉस लिया है उसके बाद उसमें पास्ता डाला और वेजीज डालें, इस पूरे स्टेज में आप कहीं पे भी इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं. बट मिल्क ऐसे नहीं कि आप एक ग्लास मिल्क ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है तो मतलब आप 1/4 ग्लास तक ऐड कर सकते हो.
उससे ज़्यादा नहीं, बस आपका पास्ता रेडी है, इसको सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।